उत्तर प्रदेश के हरदोई में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक युवक द्वारा एक बालिका का पहले तो रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी मोबाइल में अश्लील फिल्में देखने का आदी था, हवस के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने पहले रेप किया, फिर उसने बच्ची का मर्डर कर दिया। बताते चले कि सनसनीखेज वारदात के खुलासे के लिए एसपी अनुराग वत्स ने अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ बिलग्राम के नेतृत्व में सर्विलांस टीम के साथ तीन टीमों का गठन किया था, जिसमें विनीत द्विवेदी ग्राम सेलापुर थाना माधोगंज से शक तथा गवाहों के आधार पर पूछताछ की गई। उसने बताया कि वह अश्लील फिल्में देखने का आदी था और वह नशे में धुत था। उसने बताया कि नशे की हालत में वह खेलती हुई बच्ची को उठाकर बाग में ले गया और उसने इसी वजह से हवस में अंधे होकर गलत कृत्य को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक हरदोई अनुराग वत्स ने थाना माधोगंज क्षेत्र की एक बालिका से रेप के बाद हत्या का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी अनुराग वत्स ने बताया कि युवक बालिका को नशे के हालत में घर के बाहर से खेलते हुए ले गया था और वह मोबाइल में अश्लील फिल्में देखने का आदी था, हवस में अंधा होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। थाना माधोगंज क्षेत्र में एक मुकदमा अपराध संख्या 499/20 पंजीकृत हुआ था, जिसमें की वादी ने बताया था कि उसकी बेटी घर से गायब है। इसके बाद इस जो ये मृतक है उसकी डेड बॉडी गांव के ही एक जंगल एक झाड़ी में मिली थी और सभी फील्ड के ऑफिसर्स और फील्ड यूनिट द्वारा इस घटना का स्थल निरीक्षण किया गया। इसमें जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो उसमें उसके बाद हत्या और पोक्सो एक्ट है उसमें बढ़ाए गए। पुलिस ने इसमें लगातार जानकारी करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट हमें विटनेसेस और कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले हैं जिनके आधार पर हमने इसमें जो अभियुक्त है उसको चिन्हित किया है और अभियुक्त जो है वो इन्हीं के ही गांव का रहने वाला विनीत है, जो जिसका पहले का भी जब हमने जानकारी करने की कोशिश की तो पता चला कि आवारा किस्म का लड़का है और बहुत शराब इसने उस दिन पी हुई थी और जब इसने कुछ इस तरह के इंटरनेट पर वीडियोज़ भी उससे घटना से पहले देखे थे, ये भी सब चीज़ें क्लियर निकल के आई हैं। इसने इस घटना को कारित किया है। इसके द्वारा हमने सीन ऑफ क्राइम को फिर से रिविजिट भी किया है फील्ड यूनिट के द्वारा, जिसमें पुलिस को बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों को संकलित करके उनको विवेचना में सम्मिलित किया जा रहा है और जो अभियुक्त है उसका मेडिकल परीक्षण करा के उसको जेल भेजा जा रहा है और साथ ही जो बच्ची है उसको सहायता राशि के लिए भी तत्काल आदेशित हो गए हैं और आज उसके अकाउंट में उनके परिवार के अकाउंट में जो सहायता राशि वो भी भेज दी जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.